है कि कहीं पर 15 मिनट की तैयारी हो रही है, कहीं पर 20 मिनट की तैयारी हो रही है, तो जनता का तो वक्त जाया जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्या वजह रहती है? हम दोनों एंगल से इसको देख लेते हैं। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, अभी नहीं, बहुत इफिशियंट एक जो है संस्था है और पूरे देश में कई बार इन्होंने चुनाव करवाया है। इसको खैर फिलहाल अभी मैं ये देखता हूँ कि इतने बड़े देश में इतने जगहों पे चीजों को मैनेज करना, जहां हम लोग अपने एक घर को मैनेज नहीं कर पाते हैं, थोड़ी बहुत देर हो जाती है और इसको कंपनसेट भी किया जा सकता है। और नियम है कि लास्ट में वो 20 मिनट ज्यादा दे देंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर पूरा का पूरा नहीं हुआ तो टाइम को बढ़ा दिया जाता है, कुछ ना कुछ टेक्निकल रीजन होगा। तो मैं इस पे किसी को जानबूझ के ये नहीं बोलूंगा कि जी ये साजिश हो गई, अभी नहीं बोलना चाहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर के बूथ नंबर 87 में ईवीएम की खराबी की जानकारी मिल रही है। एसएम यानी कि सैम इंटर कॉलेज में खराब हुई ईवीएम की मशीन और बड़ी जानकारी, वोट डालने में हो रही है देरी, वोटर परेशान है। तो बड़ी जानकारी इस बीच लोकसभा चुनाव से बड़ी जानकारी आपको बता दें, ईवीएम खराबी की एक और बड़ी खबर। तो एक के बाद एक अलग अलग जगहों से ईवीएम खराबी की जानकारी मिलती जा रही है। सहारनपुर की घटनाएं जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है कि उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल करना चाहूंगी एके मिश्रा जी, ईवीएम मशीन की खराबी को लेकर हम कैसे समझे कि मिनिमाइज कर सकता है इलेक्शन कमीशन? नैन्सी, बहुत टेक्निकल और जीनियस क्वेश्चन है। देखिए, हमारा जो लोकतंत्र है, इतने सारे पुलिंग बूथ बनते हैं तो मिनिमम होना चाहिए, मतलब ये जो इरर आ जाते हैं, खराब हो गई जी, ये हो गई, उसके पीछे आज ऐसे ऐसे ट्रेनिंग अवेलेबल है। मैं आपको बताना चाहूंगा लीन सिक्स सिग्मा, जहां पे ये पैरामीटर होता है उस ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट कर देने पे उस सिस्टम को, कि पार्ट पर मिलियन यानी 10 लाख में से केवल एक ही गलती होगी। यहां तो अभी देखिए कितने ईवीएम लगे होंगे, जितने बूथ होंगे 400-500 हजार जो भी बूथ हो, अभी उसमें 7-8 गलतियां आ गई। ये बहुत बड़ी गलती है अगर आप लीन सिक्स सिग्मा या सिक्स सिग्मा के पैरामीटर से देखें। तो इलेक्शन कमीशन अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ये चीज इंप्लीमेंट कर सकता है ट्रेनिंग। और एक बड़ी खास चीज बताऊं, बॉम्बे में जो डब्बा वाले होते हैं, जो रेलवे में और इन सब ऑफिसेज में डब्बा सप्लाई करते हैं, आज नहीं, बहुत पहले उनको सिक्स सिग्मा मिला हुआ है रेटिंग, यानी 10 लाख डब्बे अगर वो सप्लाई करते हैं तो गलती के चांसेस केवल एक डब्बा गलत जगह पे पहुंचता है। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी शायद वो आकर के उनको अप्रिसिएट करके गए थे। अगर वो डब्बा वाले सिक्स सिग्मा रेटिंग को मेंटेन कर सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर सकता है? इतने बड़े इंस्टीट्यूशन पे जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, ये आपके चैनल के तरफ से मेरा सुझाव है और क्वेश्चन मार्क है। लेकिन एक मिश्रा जी, दरअसल चुनाव आयोग भी पूरी सरकारी मशीनरी से अपना काम लेता है, सरकारी कर्मचारियों का उसमें सहयोग रहता है, उनको अलग अलग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के वो लोग होते हैं, उन कर्मचारियों को 1 महीने या 2 महीने पहले से ट्रेनिंग देना और फिर ये मानकर चलना कि सब कुछ सटीक ढंग से हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादती नहीं चुनाव आयोग के साथ? ये चुनौती है और हम लोगों का मानव होने के नाते चुनौतियों पे विजय पाना हमारा स्वभाव है। मैं 100% एक्यूरेसी की गारंटी तो कोई भी सिस्टम नहीं देता है, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। वापस आपके पास आना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है मुजफ्फरनगर से, और बड़ी जानकारी ये बड़ी खबर, संजीव बालियान की फर्जी वोटिंग की शिकायत झूठी साबित हुई है। डीएम एसएसपी ने खुद जाकर पोलिंग बूथ की जांच की है। सुजड़ू गांव में सामान्य तरीके से वोटिंग चल रही है, ऐसी जानकारी मिली है। तो अभी संजीव बालियान ने दरअसल शिकायत की थी मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग भी जारी है और महिलाओं का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बुरके वाली महिलाएं वोट देखने आ रही हैं और उनको वोटिंग करने की इजाजत पूरी तरीके से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र सही ढंग का नहीं हो सकता अगर कोई बुरके में आकर वोट कर रहा है जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, और यहां तक कि वहां पर उनको देखने के लिए महिला कर्मचारी नहीं है, तो ऐसे में तो मुजफ्फरनगर से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संजीव बालियान की फर्जी वोटिंग की शिकायत झूठी साबित हुई है यहाँ पर। इस पर सवाल जो है करना चाहूंगी एके मिश्रा जी आपसे, लग रहा था अभी मैं इसको लेकर सवाल करना चाहती थी कि आखिरकार, लेकिन इस बीच क्या कहा था संजीव बालियान ने, पहले वो एक बार दर्शकों को सुना देते फिर सवाल करेंगे। तो मैंने देखा एक तो बहुत अच्छी तरह से चेहरे चेक नहीं किए जा रहे हैं। अगर बुरके में कोई आता है तो 4 बार आए 5 बार आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक में आप वोट कैसे डालवा सकते हैं? महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ है गांव में, सुजडू गांव में, एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल किस काम के लिए है अगर वहां नहीं लगाएंगे? अगर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है, अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में महिला ही नहीं थी, तो पुरुष चेक करेंगे? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता। इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। एसएसपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर कुमार सिंह, आपका स्वागत है एफएम न्यूज पर।
संजीव बालियान शिकायत करते नजर आए कि यहाँ पर जो महिला वोटर्स अंदर जा रही हैं, जिनकी एंट्री हो रही है, कोई भी जांच नहीं की जा रही है। बुरके में कौन जा रहा है, यहाँ पर कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं है। क्या कहेंगे सर इसको लेकर आप, किस तरह की कोई, क्या वाकई कोई यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है और मैंने सभी जितने भी इधर सेंटर्स हैं सबका भ्रमण कर लिया है, थ्री एंड अबव, क्योंकि इतनी अधिक संख्या महिला कांस्टेबल्स नहीं थी। जो बूथ तीन और उससे ऊपर की श्रेणी के थे, जो सेंटर्स थे, उन सब पर महिला कांस्टेबल लगाई गई है। और जहां तक चेकिंग की बात है, पुलिस का अधिकार शांतिपूर्ण मतदान कराने का, पुलिस का अधिकार किसी को चेक करने का नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, जो तस्वीरें सामने आई है उसमें एक भी महिला कांस्टेबल नहीं दिख रही हैं। तो क्या यहाँ पर कुछ समय में बदलाव है कि इतने बजे तक महिला कांस्टेबल पहुंचेंगी, क्या ये भी समझे? या अगर वाकई वहाँ पर कुछ चेकिंग में कमी है तो उसको भी आंकना होगा? देखिए, मैंने जो जिस पे उन्होंने शिकायत की थी, उन पोलिंग सेंटर्स में महिला कांस्टेबल्स जो अधिकारियों के साथ हमला लगी हुई थी, उन्हें मैंने पोस्ट कर दिया है और एक बार दोबारा राउंड लिया है। सब स्मूथली चल रहा है, कोई कहीं कोई ऐसी गड़बड़ नहीं। जी सुधीर कुमार जी, हो सकता है कि जिस दौरान संजीव बालियान पहुंचे थे, क्योंकि तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कोई महिला कांस्टेबल यहां नजर नहीं आ रही, हो सकता है कि आपने उसके बाद प्रक्रिया की शुरुआत की हो, आप पहुंचे हो दौरे पर तो महिला कांस्टेबल हो, शिकायत उनकी जायज हो। महिला कांस्टेबल सब पे लगी हुई है, महिला पुलिस जितना पुलिस बल है वो सब लगा हुआ है, हर बूथ पे, हर सेंटर पे महिला कांस्टेबल नहीं लगाई जा सकती। पाई है आपने सुधीर कुमार जी, तादाद में नहीं है। संजीव बालियान जी ने जो कहा है कि फर्जी वहाँ पर वोटिंग हो रही है, संजीव बालियान कहते नजर आए हैं, तो क्या आप कोई कमी पा रहे हैं? हमने पूरा राउंड ले लिया, कहीं कोई फर्जी वोटिंग नहीं हो रही। तो यानी कि संजीव बालियान झूठ बोल रहे हैं आप कहेंगे? देखिए, हम किसी को झूठा या सच्चा नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी बात कह सकते हैं। हमने अपना राउंड लिया और कहीं कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये भी पूछूंगा, उनकी शिकायत थी कि महिला जो वोटर्स हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो दरअसल पर्दे में जा रही हैं, उनकी शिनाख्त या उनकी चेकिंग नहीं हो रही, इसको लेकर प्रोसीजर क्या है? पुलिस को अधिकार नहीं है, पोलिंग पार्टी में एक महिला सदस्य लगी है, वो पोलिंग पार्टी का अधिकार है कि वो उन्हें चेक करें, आईडी चेक करें, पुलिस का ये अधिकार नहीं है। पुलिस का काम शांतिपूर्ण मतदान कराना, ना कि किसी को चेक करना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि संजीव बालियान ने इस तरह का बयान दिया है तो वहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग लगते हैं कि सुरक्षा बल जितने भी वहाँ पर है वो काफी रहेगा? चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। शायद यहाँ पर हमसे उनकी जो बातचीत हो रही थी, कनेक्शन टूट गया है। और इस बीच लेकिन सवाल ये भी है कि मिश्रा जी, इस तरह के बयानबाजी क्या समझे, कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? संजीव बालियान क्या करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने कह दिया एसएसपी ने साफ कि हमने तो पूरी चेकिंग कर ली और हमारी जहां तक जिम्मेदारी है, जिस दायरे तक, हम वही करेंगे। अंदर कौन पहुंच रहा है वो तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। नैंसी, देखिए, पक्ष और विपक्ष के नेता ऐसा करते हैं, उसके पीछे कुछ उनके अपने निहित उद्देश्य होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं गलती की संभावनाओं को भी मान सकता हूँ। अगर गलती की ऐसी संभावनाएं हैं जैसे संजीव बालियान जी ने बोला कि डेफिनेटली मैं इसको मानता हूं कि बुरके में आने पे डेफिनेटली ये चांसेस होते हैं, तो पहला अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि भाई बुरके वगैरह जैसी चीजें हैं, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो मैनेज करिए। दूसरी चीज, यानी कि एक सवाल उठता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक सबसे बड़ा रास्ता जो मैं बोलूंगा, देखिए, बायोमेट्रिक ऑप्शंस वगैरह, रेटिना टेस्टिंग वगैरह होते हैं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वहां थंब इंप्रेशन रीडिंग करने के लिए फर्दर, हालांकि वो काफी खर्चीला और टाइम टेकिंग होता है, आगे हो जाएगा भारत में, आप बायोमेट्रिक रेटिना टेस्टिंग लगा दीजिए, बिल्कुल भी आपको गुंजाइश नहीं रहेगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों को नसीहत देना चाहता हूं और सवाल पूछना चाहता हूं, महिला एम्पावरमेंट की बात सब करते हैं कि जी हमने ये किया, हम बिल लाएंगे, आप लोग अपने बूथ पे एक एक महिला जो है पोलिंग कर्मचारी क्यों नहीं बैठाते हो अपने पार्टी के? भाई, अगर आपको डाउट है कि ये महिला बुरके में है।